माय चैनल फ्रेंड। आज मैं लेडीज बूट बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान है ये और इसको गर्ल भी अच्छे से पहन सकती हैं। बहुत ही सुंदर बन के आता है। देखिए इस तरह से आएगा इसका डिजाइन। है ये देखिए ऐसे खुलेगा है अभी तो। ये 2, 3, 4 नंबर साइज के लिए परफेक्ट है। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 66 फंदों से स्टार्ट करा है। 66 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। देखिए ये 66 फंदे डाल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धारियाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। 10 बनाने के बाद फिर हमने 32 फंदे यहाँ पे 32 फंदे यहाँ पे छोड़े हैं। 32 ही हम इधर छोड़ेंगे और बीच के 2 फंदों पे हम अब दूसरे कलर से दो फंदे बीच के हम इस वाले कलर से बनाएंगे। 1 और 2। अब देखिए यहाँ से 1 और 2 फंदे बना दिए। अब यहीं से हम पीछे मुड़ेंगे। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 2, 3 फंदे सीधे बनाए। अब इस साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे। फिर यहीं से मुड़ेंगे। अब फिर से इन 4 फंदों को उल्टा बना देंगे। फिर इधर से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से मुड़ेंगे। दो का 1 करेंगे। तीन चार पाँच 6 फंदे उल्टे। 2 का 1 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 2 का 1, 8। इस तरह से हमें बनाते जाएंगे इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 फंदों को सीधा बना देंगे। 2 का 1 कर देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 बार हो गया हमारा 2 का 1। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार करेंगे हम। 11 बार बनाने के बाद फिर आगे दिखाऊंगी मैं। फ्रेंड देखिए 10 फंदे हमारे इस साइड बच गए हैं। 10 ही फंदे इस साइड बच गए हैं। अब हम ये वाला 2 का 1 करके उल्टी साइड पे हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बनाए। पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। 6 फंदे इस तरह से बंद कर देंगे हम। 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 8 फंदे 9 फंदे हमने इस साइड छोड़े। 9 ही इस साइड और बीच के 6 फंदों को बंद कर दिया। 10 इस साइड और 10 ही इस साइड। अब आगे के इन फंदों को हम उल्टा बना देंगे। और 9। अब आगे हम दूसरे कलर से ये वाले फंदे भी बना देंगे। 1, इन 10 फंदों को अब हम नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से बन के आएगा।
अब हम पूरी सिलाई इस तरह से सीधी बना देंगे, दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस, यहाँ से कैसे उठा लेंगे यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे एक छेद पड़ेगा, दो का एक करेंगे, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, फिर से हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दो का एक करेंगे, अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस और सैंतीस। अब इस साइड से भी हम इसको सीधा ही बनाएंगे, धागा आगे करके सभी फंदों को सीधा बना देंगे। इस तरह से हम उल्टा उल्टा या सीधा सीधा बनाते हुए अपनी ये चार धारियां कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से हमने इसको सीधा सीधा बनाया तो इस तरह से हमारी ये पहली धारी बन के आ गई। ये देखिए जो हमने बीच में फंदे बंद करे थे यहाँ पे इस तरह का डिजाइन आएगा। ये पूरी सिलाई इस तरह से सीधी बना देंगे। देखिए हमारी पहली धारी बन के आ गई। देखिए जो बीच में हमने डिजाइन बनाया था वो इस तरह से आएगा। ये देखिए इसके बाद एक धारी हमारी बन गई, दो तीन चार, चार धारियां बनाने के बाद फिर हम बंद करेंगे इसको। तो ये चार धारियां मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी। फ्रेंड देखिए चार धारियां मैंने बना ली हैं, एक दो तीन चार। अब देखिए अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। पहला फंदा उतारा, आगे वाला बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। सभी फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे बनना बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे एक और इनको सिलना बताऊंगी किस तरह से इसको सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे, दो एक दो तीन, उसी जगह पे फिर से लगा देंगे इसको, एक दो तीन तीसरे नंबर पे, फिर से एक दो तीन और जहाँ से हमने पहले निकाला था वहीं पे इस तरह से। देखिए इस तरह से बन के आएगा है। फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन और तीसरे नंबर पे इसको लगा देंगे और एक दो तीन इस तरह से आगे तक हम पूरे बूट पे इस तरह से बना देंगे इसको। इस तरह से बन के आएगा तो मैं आगे तक बना लेती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने लगा लिया, अब इसके बाद हमें लटकन बनाएंगे जो यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम इसको, ये हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे पहले, एक दो तीन,
और थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से, चार बार बनाएंगे। चार, और इसको बंद कर देंगे और 15 चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर अब इस साइड भी हम ऐसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे और चार बार बनाएंगे। और फिर बंद कर देंगे इसको यहाँ से धागा कट करके। देखिए इस तरह से बन के आएगा है। फिर ये वाले धागे हम अच्छे से अंदर फोल्ड कर देंगे इसके अंदर ही। दोनों साइड से जो ज़्यादा लंबा है उसको थोड़ा सा काट देंगे। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा है। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ जहाँ से हमने फंदे बंद करे हैं इस जगह पे यहाँ पे सुई से इसको लगा देंगे। तो अब मैं इसको सिलना बताऊंगी आपको किस तरह से सिलेंगे हम इसको। सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे और उल्टी बाहर की साइड, और इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। देखिए अब इस साइड से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे हम। एक फंदा इधर का एक इधर का लेते हुए यहां से लेके यहां से और यहां तक सिलेंगे इसको। एक फंदा इधर का एक इधर का, अब यहाँ हम दो तीन डॉट अच्छे से लगा देंगे यहाँ पे ताकि खुले ना, और ये धागा यहाँ से कट कर देंगे। फिर इसको सीधा करेंगे, देखिए फ्रेंड इस तरह से बन के आएगा है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।